2001 में नीतीश कुमार सुनिए सर 2000 जनता को गुमराह कर रहे हो तुम। आप कपड़ा देख के जांच कीजिएगा, आप लोग को कपड़ा देख के जांच कीजिएगा, आप दाढ़ी देख के जांच कीजिएगा। आप किसी का इस तरह से जांच नहीं कर सकते हैं, वो भी जैसे आप नागरिक हैं ठीक उसी तरह से ये भी नागरिक है। उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और सारे राज्यों से छोटा है, लेकिन हम आज जनसंख्या की दृष्टि से 25 करोड़, और ये 25 करोड़ जनसंख्या आपको जानते हैं जो ब्राजील देश का नाम सुनेंगे आप, है ना, दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है, वो देश के बराबर है, वो देश के बराबर उसका जनसंख्या है। और इतना जनसंख्या तो आपको ये उछलते रहता है, देश के नंबर वन अमेरिका के पास नहीं है, 17 करोड़ जनसंख्या उसके पास है। क्या आपको लगता है, एक देश की बात कर रहे हैं राज्य नहीं, आपको लगता है कि ये 25 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य को एक जगह लखनऊ से बैठ कर संभाल लेना ये किसी प्रकार से भी मुमकिन है? आप बोल रहे हाथरस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका बिहार कितना करोड़ का जनसंख्या वाला है, 12 करोड़ लगभग जनसंख्या वाला ये आपका ये राज्य है आपका। क्या हालत बना के रख दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? क्या आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका 144 लगा हुआ, कहाँ कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ कहाँ मंदिर को तोड़ा जा रहा है और क्यों तोड़ा जा रहा है? 2024 में मोदी जी आएंगे, बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं। देखिए सर एक बात थोड़ा सा, इतना प्यार से बोले हैं तो मेरा लाइन फिर से प्यार से ही निकलेगा आपका, ठीक है ना। मेरे गांव में सारे लोग या तो राजद है या तो जदयू है, एकमात्र हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। लोग ऐसी बात के बाद गांव के बारे में जानते हैं, गांव का छोरा हम है ना, लौंडा हम है, ठीक है ना, चौपाल पे बैठ के बात कर रहे थे सब लोग, ये बार हियाँ स्वीप हो जाता, बीजेपी हो जाता, वो हो जाता, ओकरा से झगड़ा, ओकरा झगड़ा। हम बोल दिए, मेरे गाँव में बहुत बड़ा बड़ा नेता सब है, जिला अध्यक्ष है, पैक्स अध्यक्ष है, और ना जान कौन कौन, और क्या बोलता है इसको, जदयू का जिला अध्यक्ष है ना, हर एक कोई को बोलते, देखिए भैया, चाचा, भैया, नाना, पापा, जो भी आप जान लीजिए कि बीजेपी जीतने वाला है, उसका काम उसका बोलता है, इट इज ओनली द वॉक दैट ओनली साउंड्स, वही आपको सुनाई देता है काम बीजेपी का। आप अगर बात करते हैं धर्म की बात पर या धर्म पर राजनीति कौन करता है, तो बता दें आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। आपको बता दें, थोड़ा सा हम इतिहास के ये रहे स्टूडेंट रहे हैं, तो जब आपका 1974-72 में जो इलेक्शन हुआ था, जितना भी छोटा छोटा राज का, सब जगह पर ये क्या की थी, जितना भी विपक्षी था उसको डाइल्यूट करके डायरेक्ट सरकार अपना बना ली वहाँ पर, डायलूट मतलब कि पूरा सबको हटा ही दी और अपना सरकार बना ली। इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरे अक्षरों में कहा बोलेंगे, काला काला अक्षर में बोलेंगे उसको हम, लिखा हुआ वहाँ पर किस प्रकार से काम करती थी दबंग इंदिरा गांधी। आप बोलते हैं कि ये काम करता है, क्या बोलता है, चलिए इंदिरा गांधी का तो बात का, हम लोग का युग अभी मोदी जी वाला नहीं, है तो बात तो चर्चा करेंगे ना सर, हम चर्चा अभी ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, बहुत अच्छा लाइन मिला, 15 लाख। सुनिए अब बताते हैं, मान ली हमारा बिहार में दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, ना जाने क्या क्या कानून बना दिया गया, दूसरा लाइन, ठीक है, फिर भी ठीक है ना, फिर भी लोग पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बता दे रहे हैं कौन दहेज ना ले लो अपने ब्याह में, ना सुनिए ना सर, बता रहे हैं उदाहरण, उदाहरण सुनिए ना, यही खुद अमित शाह बोले कि एक जुमलेबाजी है, सुनिए ना सर, 15 लाख खा ही नहीं सकता है, बोलिए, हम नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, बताए तो हम निकाल के सुना दे, ठीक है ना। अब देखिए, हमको अगर 20 लाख रुपया दहेज मिलता है, हमारा ना मिल लो है, ना ले लियो है, ठीक ना, ठीक ना, तो हमको 20 लाख रुपया हमको दहेज कैश में नहीं मिले, ठीक है ना, उसके बदले हम लोग दुनिया भर के एसी पेसी फ्रीज व्रीज दुनिया भर का महंगा महंगा चीज हमको दे दिया जाए, फर्श रहे एकदम वुडन फर्श रहे, ठीक है, तो बात तो बराबर है कि अलग अलग है, बताइए आप हमको सुरक्षा दिया गया। आप सुनिए, आप नेता तो बढ़िया है, रेलवे का मैदान है, चुप रहो, रेलवे का मैदान, रेलवे का मैदान कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये रेलवे का मैदान है, नीतीश कुमार यहाँ छू भी नहीं सकता है, बता देते हैं, रेल कुमार से रेल मंत्री नीतीश कुमार ना रहा है, वही गड़ी बोल रहा है, कौन गड़ी बोल रहा है, 2001 में नीतीश कुमार, सुनिए सर, 2001 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सॉरी रेल मंत्री बने थे, फिर एक्सीडेंट हुआ था ये बक्सर के आसपास में, वो अरे सुनिए कहाँ हुआ, हुआ था ना, वहाँ पर अपने से त्याग पत्र दिए थे, फिर क्या कौन सा मिनिस्टर बनाया गया था, गैंगमैन गलती के साथ, देखिए ये चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हो तुम लोग, गुमराह कर रहे हो बिहार में मिलने वाला नहीं, बिहार में नीतीश बाबू का विकास किया हुआ है, तुमको बता दे रहे बिहार में सर क्या चीज क्या हुआ, क्या नहीं है,
दो बजे रात में सगड़ो चल जाएगा जहानाबाद, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आप खाली चिल्लाने से नहीं, सुनिए बहुत नहीं नहीं, ये देख लीजिए, सुन ली, भागे नहीं, भागे नहीं। मतलब लोगों के आप कपड़ा से दाढ़ी से जांच करने वाले लोग हैं? आप लोग का दाढ़ी देखिएगा, आप लोग का कपड़ा देखिएगा, आप लोग पुलिस को कपड़ा देख करके जांच कीजिएगा, आप कपड़ा देख के जांच कीजिएगा। आप वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, आप लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। आप लोग आप कपड़ा देख के जांच कीजिएगा, आप लोग को कपड़ा देख के जांच कीजिएगा, आप दाढ़ी देख के जांच कीजिएगा। आप किसी का इस तरह से जांच नहीं कर सकते हैं। वो भी जैसे आप नागरिक हैं ठीक उसी तरह से ये भी नागरिक है। और ये बहुत हमको जो मालूम है बोले, आप किसी को दाढ़ी और गमछा से जज नहीं कर सकते। आपने क्यों दाढ़ी और कपड़ा से जज किया? आपने पीला गमछा देकर जज किया? आपने लाल हरा गमछा देकर जज किया? इससे पहले सुनिए ना, सुनिए आप। अच्छा चलिए, अगर मेरा मुझे गलत शब्द कहा वापस ले जाते हैं, बिल्कुल माफी मारे भैया। मेरा पापा घूमर गया, माफी मांगो। क्या है, क्या पूजा किया जाता है बताओ? श्री गणेश का क्या पूजा किया जाता है? आप पहले इसके बारे में बताइए। हम पूछ रहे हैं कि वहाँ से शुरू करो, एक हकीकत चीज नहीं है कि नहीं है, सूर्य सबके सामने है। यहाँ से बताइए ना पहले, आपकी कौन बनाया है, क्या बनाया है? तस्वीर चित्रकार बनाता है, चित्रकार बनाता है सच्चाई के। कौन सा बात पे आ गए? आंख बंद है, कुछ नहीं समझ में आता है। सर क्या बोल रहे हैं? नहीं ये पूछ रहे हैं ना, किसने बनाया है? आंख बंद है, चित्रकार बनाया है। सुनिए, यही मेंटेलिटी है। पैसा किसने? एक्चुअल वर्ड पता है, क्या कहानी क्या है? पैसा कौन दिया? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दिया होगा? नहीं दिया।